सो फाइनली गाइस, मैं मेरे एक और ड्रीम ट्रिप पर हूँ। अभी तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैं एक्चुअल में कहाँ जा रहा हूँ, बट जब भी हम कहीं जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा पैकिंग करना, कि हम लोग क्या क्या कैरी कर रहे हैं, क्या नहीं कैरी कर रहे। मैं ऑलवेज प्रीफर करता हूँ कि मैं हमेशा कुछ एक्स्ट्रा कैरी करूँ, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम घर से दूर होते हैं तो इमरजेंसी केसेस में हमें कहीं और से परचेज ना करना पड़े या कोई और फालतू के एक्सपेंसेस ना करना पड़े। इस वजह से मैं एक्स्ट्रा कैरी करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। ये वही बैग है जो मैं लास्ट टाइम देहरादून से खरीदा था केदारनाथ के ट्रिप पर। आई होप सो आपको याद होगा। सो अभी मैंने फिलहाल पैकिंग कंप्लीट कर लिया है। मैंने इस बार ज़्यादा कपड़े लिए बिकॉज मैं दो प्लेस पे विजिट करने वाला हूँ। एंड अगर आपको घूमने का शौक है और पूरे देश में आपको कहीं भी घूमना है और बजट में घूमना है तो इस ब्लॉग को एंड तक देखिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ या अपने ग्रुप के साथ जिनके साथ आपको इस ट्रिप पर जाना है। सो गाइस, फाइनली हम लोग हमारा ये ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं। इस ट्रिप के लिए मैं काफ़ी महीनों से प्लान कर रहा था। आपने शायद केदारनाथ के ब्लॉग में भी देखा होगा कि मैं बात कर रहा हूँ कि मैं इस जगह पर जाने वाला हूँ। सो आई विश कि आप लोग को ये व्लॉग में मज़ा आएगा। अभी तो फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मैं जाऊंगा बैंडा स्टेशन से मेरा दोस्त मिलने वाला है, वहाँ से हम दोनों जाएंगे कोयम्बतूर और उसके आगे का जो ट्रिप है वो आपको मैं बताऊंगा। तब तक आप मज़ा लो हमारे सफ़र का। आई होप सो कि कुछ नया एक्सपीरियंस होगा बिकॉज हमें कुछ भी नहीं पता है वहाँ पे कैसे क्या करना है। अब अभी तक हमारे होटल्स भी बुक नहीं है, इवन रिटर्न के टिकट्स भी बुक नहीं है। जो बुक थे वो हमारे ट्रेन की टिकट कैंसिल हो गई है। आने वाला सफ़र बहुत ही मज़ेदार होगा, इंटरेस्टिंग होगा और बहुत सारा फन होगा क्योंकि ना मुझे कुछ पता है ना मेरे दोस्त को कुछ पता है। हम बस निकल चुके हैं ट्रिप पर और हम इसे ख़त्म करेंगे चाहे जैसे। सो मज़ा आएगा और इस ब्लॉग को देखने वाले सभी शिव भक्तों को हैप्पी महाशिवरात्रि। घर से निकलते ही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम शाम को ऑटो का ना मिलना, बट एट दी एंड मैंने मेरे दोस्त को कॉल किया तो फाइनली मेरे को जेम्स ने ड्रॉप किया स्टेशन पे और अभी हम लोग चाय पी रहे हैं जाने से पहले। हाय जेम्स। सो मैंने हमारी मुंबई की लाइफलाइन को यूज़ किया, मुंबई लोकल को। सो यहाँ पर मुझे न्यू अपकमिंग मराठी एक्टर मिले जिनकी फर्स्ट मूवी आ रही थी हरी ओम नाम की, इनका नाम था गौरव कदम। इनसे मैंने काफ़ी बात की ट्रिप्स के बारे में और बाकी सारी चीज़ें जिन्हें मैंने वीडियो में नहीं डाला है बिकॉज उस पर वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही थी। सो फाइनली हम लोग बोरीवली स्टेशन पर पहुँच गए, यानी 50% हमने कवर कर लिया है अभी तक। आप स्टेशन को देख सकते हो। एंड बोरीवली से आधे घंटे का और सफ़र करने के बाद मैं बांद्रा पहुँच गया हूँ और अपने दोस्त का फ़ोन उठाने का वेट कर रहा हूँ बिकॉज वो मुझे बाहर लेने आ रहा है। हाय बोल। हाय बोल। ये सिद्धेश हमारा दूसरा पार्टनर। हाय। हाय बोल। अभी तू अभी अपन किधर जा रहे हैं? मेरे घर पे। तो फिर तो बैग भी गिना लूं, इतनी जल्दी निकलेगा कुछ खा पी के तो क्या इंतजाम किया है कुछ? खाना उसने बनाया था तो मेरे को भी भूख नहीं लग रही। तो पैक करा लेना एक थैली में नॉर्मल, अपन वो फाड़ के फेंक देंगे। मम्मी ने क्या दिया? मम्मी ने पूरी भाजी तो नहीं, पराठा और भाजी। श्रीखंड ले लेंगे ना बाहर से? ले लेंगे ना। हाँ ए तेरी मार दे, जाने से पहले ही मर जाएंगे। गाली को इग्नोर करना, गाली को। सो सिद्धेश और उसके कुछ फ्रेंड्स ने हमें कुरला स्टेशन पर ड्रॉप कर दिया, यानी LTT पर ड्रॉप किया। हमें तो ये लग रहा था कि हमारी ट्रेन छूट जाएगी बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बट हम बाइक पे थे और सेफली राइड करते करते हम पहुँच गए। वैसे तो इस ट्रिप में 5-6 लोग थे बट सब कैंसिल होते होते लास्ट में सिद्धेश और मैं बचे, और सिद्धेश भी बहुत एकदम एंड में ऐड हुआ। सो इनिशियली मैंने जिनके साथ प्लान किया था वो सब कैंसिल हो चुके थे। सो हमने कोयम्बतूर एक्सप्रेस की स्लीपर क्लास की टिकट निकाली थी और ट्रेन में घुसते ही हमें लगा कि हमें AC ही निकालना चाहिए था, स्लीपर क्लास नहीं निकालना चाहिए था। रात में जो नज़ारा था ट्रेन का वो मैं आपको क्या ही बताऊं। अगर आपको प्रेशर आया है तो आप कहीं नहीं जा सकते क्योंकि लोग नीचे सोए हुए हैं और ये हालत हमारी इंडियन रेलवेज की कब सुधरेगी कोई नहीं जानता, इवन शायद मिनिस्टर्स भी नहीं जानते। सो हमारी पूरी रात ऐसे ही बीती। सो गाइस, अभी तक हमने नाश्ता नहीं किया है इसके वजह से ट्रेन चालू हो गया। अभी तक हमने नाश्ता भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, हम लोग अभी भूखे मर रहे हैं यहाँ पे, सब तेरी वजह से हुआ है। सुबह सुबह उठ गया हम लोग, अभी क्या टाइम हो रहा है? टाइम हो रहा है 8:30 का टाइम हो रहा है। अभी हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं? काला बुर्जी करके कोई स्टेशन नहीं, कालागुड़ा ऐसे कुछ तो नाम है, कोई तो स्टेशन था ऐसे कुछ नाम था। हम लोग हाफ एन आवर लेट चल रहा है हमारा ट्रेन हाफ एन आवर लेट चल रहा है। अभी देखते हैं कुछ खाने के लिए आता है पेंट्री से तो कुछ लेंगे, अभी पेट में बहुत चूहे कूद रहे हैं, कुछ खाया पिया नहीं हमने अभी तक। तब तक के लिए बाय, चलो गुड नाइट। जलपरी दिख रही है आपको? जलपरी दिख रही है। बाकी रात में तो आपने हाल देख ही लिया होगा कैसा था हमारे डब्बे का। हाँ भाई, पूरी पब्लिक इधर से इधर।
तेरे को क्यों शूट करूंगा, इधर अंधेरा था, नीचे देख रहा था पूरा, तेरे को शूट करने हुआ है क्या भाई? इधर अपने आप को शूट करूंगा। और ये हमारे सनी नाश्ते का इंतजार कर रहे, कब नाश्ता आएगा और कब खाएंगे। बेचारे ने कॉलगेट के साथ ब्रश भी लेना पड़ा जबरदस्ती। जबरदस्ती और बोलता है मैं प्लानिंग सब प्लानिंग करके जाता हूँ, साथ कॉलगेट नहीं लिया, काहे की प्लानिंग करता है क्या मालूम। ये आ गया हमारा नाश्ता, हल्का लग रहा है। अरे 40 रुपए दिया, 4 रुपए कोई मत, ये तो धोखा हो गया रे। तुम लोग के हाथ से बड़ा छूटा नहीं गया रे। मैं क्या बोला, पूरा एक साथ ही डाल दे, सही दिमाग लगा है। बोला मैंने, जैसा बोलते जाऊंगा ना वैसा वैसा करते जा, तो ही तो आगे जाके बड़ा आदमी बनेगा। ऐसा मैं किसी का सुनूंगा नहीं, बोला मैं बोल रहा हूँ ऐसे वैसे करते जा, तेरे लिए बड़ा सोचा, बड़ा तू कौन, मैं तेरा भी नहीं सुनूंगा समझा। अरे उसने तेरे लिए सोचा ही तो था बड़ा नहीं, अभी ठीक ठाक, मतलब 10 में से 2 दे सकता हूँ मैं इतना स्कोरिंग, जितना अच्छा इडली वड़ा लिया है। और स्टेशन भी आ गया, देख रहा है स्टेशन आ गया, अगर हम स्टेशन से इससे भी अच्छा ले सकते थे, पर ये इंसान के मन में लालच जागा और लॉस हो गया हमारा। अभी फिलहाल ट्रेन रुकी है रायचूर स्टेशन पर और ये स्टेशन काफ़ी क्लीन है, आप वीडियो में देख सकते हो। हमेशा की तरह इस बार भी संघर्ष कर रहे थे कि हमें कुछ अच्छा खाने को मिल जाए, बिकॉज हम बहुत मिस कर रहे थे हमारे मुंबई के फूड को। सो फाइनली हमें कुल्लड़ वाली लस्सी मिली, जिससे हमें बहुत उम्मीद जगी कि हमें कुछ अच्छा टेस्ट करने मिलेगा। बस जैसे उसने स्ट्रॉ डाल दिया, हम समझ गए कि लस्सी कितनी ही गाढ़ी होगी। यह है मटका लस्सी, मटका लस्सी, ए हरामी। हमारे फ्रेंड ने लाके दिया है लंच, घर का लंच। यार लकी, ये सिद्धेश का एक दोस्त है, माय फ्रेंड गाइस, माय फ्रेंड। इसका कोई पहचान का नहीं इधर, सब पहचान निकाला मैंने। ये उसने ही हम लोग को लाके दिया, काफी अच्छा बंदा है। और इसके बदले हम ऑफर करने वाले उसको हमारी सीट। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट हमें ऑफर करना पड़ेगा, हमें भी अच्छा इंसान बनने की जरूरत है कि नहीं? ये देखो लालची को देखो कैसा देख रहा है। मैं अच्छा इंसान ही हूँ, हट, मैं कब ऐसा हुआ ही नहीं, मैं पहले से अच्छा था, मैं तो बस रात सब रात भर दूसरों को सीट दे रहा हूँ। वो देख, तू भी इधर ही आना। क्या अनाउंसमेंट कर रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हेडो गुंटू, गाड़ी संख्या 7, 6, हाँ हिंदी बोल रही है। सो फिलहाल आप हमें देख सकते हो कि हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ की लैंग्वेज को समझने के लिए। अरे तिरुपति वाला ट्रेन अपना नहीं बोल रहे हैं, अपना बोलेंगे कि अपना तो सुनाई देगा ना, आवाज आएगा ना, 5 पे आएगी साला, एक तो इधर एक ही तो है। लैंग्वेज समझ में आए चाहे ना आए, बट यहाँ का नेचर बहुत ही ब्यूटीफुल है, मतलब आप यहाँ पर बिल्कुल घूम से जाओगे। सो हमारी ट्रेन फुल रफ्तार में अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी और हम भी उस सफर का मजा ले रहे थे। अब हमारा सफर बिल्कुल ऐसा ही चलता रहा और हम रात में स्टेशन पे उतरकर बेंगलुरु में डिनर का इंतजाम करते हैं, वो खाते हैं और सो जाते हैं, और नेक्स्ट मॉर्निंग उठते ही आप देख सकते हो हम क्या कर रहे हैं। जी गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम लोग 10 मिनट में कोयम्बतूर उतरेंगे। सो फाइनली लेट ही सही, बट हम कोयम्बतूर पहुंच गए। आप कोयम्बतूर स्टेशन को देख सकते हो, अरे लेट करंट, और मेरे दोस्त को भी स्ट्रगल करते हुए देख सकते हो कि वो कैसे उतर रहा है। सो फाइनली वी हैव रीच्ड
कोयम्बतूर। कोयम्बतूर पहुंच के कैसा लग रहा है सिद्धेश? करना तेरा बकवास करना भाई, गिरा देगा यार तू तो। स्टेशन पर उतरते ही कुछ दूर चलते ही आप रश को देख सकते हो। ये रश है महाशिवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए जो ईशा फाउंडेशन में होने वाला है। आप देख सकते हो देश के अलग अलग जगह से काफ़ी सारे लोग ट्रैवल करके सिर्फ और सिर्फ इस इवेंट के लिए आए हैं। एंड हम भी देखकर हैरान थे कि इतने सारे लोग इस इवेंट को अटेंड करने यहाँ पर आ रहे हैं। सो हम बाहर निकलते ही स्टेशन के कुछ वीडियोज़ निकाले, कुछ फ़ोटोज़ निकाले, खुद के भी फ़ोटोज़ निकाले, थोड़ा रोमांस देखा। कोयम्बतूर उतरने के बाद सबसे बड़ा स्ट्रगल था हमें रूम ढूंढना। अगले ब्लॉग में आप जरूर देखना कि हमने कौन से प्रॉब्लम्स को फेस किया रूम्स को बुक करते वक्त, और हमारे साथ कौन सी ट्रेजेडी हो गई सुबह सुबह। एंड रही बात एक्सपेंसेस की, तो हमें टिकट पड़ा था अराउंड 675 रुपीज़ का। एंड हमने कुछ थोड़ा बहुत खाया था 400-500 रुपये का। अराउंड 1500-1800 रुपीज़ हमारा अभी तक खर्चा हो चुका है। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, मैं डेफिनेटली आपको रिवर्ट करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ग्रुप के साथ जिनके साथ आप प्लान कर रहे हो यहाँ पर विजिट करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।